and welcome to Planet Bollywood at One, a show with the hippest and hottest events of Bollywood. तो इंतजार किस बात का है, नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिलवाले की कामयाबी के लिए शाहरुख कर रहे हैं सलमान को फॉलो। सनी को लगता है कि बॉलीवुड में है हेट इज ज्यादा। फरहान अख्तर देंगे फीमेल हीरोइंस को प्रॉफिट शेयर। जैकलिन क्रिसमस पर देंगी अपने फैंस को स्पेशल सरप्राइज। सिद्धार्थ मल्होत्रा आ सकते हैं रेस 3 में नजर। शाहरुख खान चले सलमान खान के नक्शे कदमों पर। एसआरके करने लगे हैं सलमान को फॉलो। आखिर किस चीज में और क्यों कर रहे हैं एसआरके सलमान को फॉलो? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी बॉलीवुड के बादशाह को कि वो कर रहे हैं दबंग खान को फॉलो? तो दरअसल एसआरके सलमान को फॉलो कर रहे हैं दिलवाले की प्रमोशनल स्ट्रेटजी के लिए। अब ये तो आपको बताई है कि कैसे बजरंगी भाईजान के प्रमोशन के लिए सलमान ने बनवाए थे हनुमान पेंडेंट और किस तरह उनके फैंस बजरंगी भाईजान के उन पेंडेंट को खरीदने के लिए पागल हो गए थे। सलमान की वो स्ट्रेटजी वाकई में फिल्म के फेवर में काम कर गई थी। अब उसी को ध्यान में रखते हुए अब एसआरके ने भी अपनी अपकमिंग फिल्म दिलवाले के लिए बनवाए हैं सिल्वर ब्रेसलेट। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने ये पेंडेंट उसी कंपनी से बनवाए हैं जिसे सलमान ने बनवाए थे। वेल, अब देखना ये होगा कि जो पेंडेंट स्ट्रेटजी बजरंगी भाईजान के लिए कमाल कर गई थी वो दिलवाले के लिए कितनी असरदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस इस क्रिसमस पर देंगी अपने फैंस को सरप्राइज। जैकलिन ने अपने फैंस के लिए बना लिए हैं क्रिसमस प्लान्स। जैकलिन के सरप्राइज से उनके फैंस भी हो जाएंगे सरप्राइज। चलिए अब आपको और कंफ्यूज नहीं करते और कर देते हैं रिवील जैकलिन के अपने फैंस के लिए क्रिसमस प्लान से। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जैकलिन की फैन फॉलोइंग में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी और अपनी इस फैन फॉलोइंग को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए जैकलिन ने निकाला है एक नया तरीका। सोर्सेज का कहना है कि इस क्रिसमस पर जैकलिन अपने बिगेस्ट फैन को और अपने फैन क्लब्स को भेजेंगी पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स। जी हाँ, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स। जैकलिन का मानना है कि इन पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स के जरिए वो अपने फैंस के दिल में हमेशा के लिए बस जाएंगी। वेल, जैकलिन आपने अपने फैंस की खुशी के लिए जो प्लान बनाया है वो तो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। रुद्रानी चटोराज, जूम मुंबई। लंबे बाल, एक छोटी सी पोनीटेल और एक इंटेंस लुक विद स्टबल, ये है फरहान अख्तर का अवतार रॉक ऑन 2 के लिए। फरहान के इस लुक को कैप्चर किया गया एक इवेंट पर जहां वो अपने सोशल इनिशिएटिव के सपोर्ट में आए थे। पर इस इनिशिएटिव पर बात करने से पहले फरहान अख्तर ने यहां डिक्लेयर कर दिया कि उनकी फिल्म्स में एक्ट्रेसेस को मिलेगा प्रॉफिट शेयर। आई हैव रेड रिसेंटली समवेयर दैट देयर आर मेनी फीमेल एक्टर्स, यू नो, हु आर सेइंग दैट वी विल वांट टू ओनली वर्क नाउ ऑन अ वेज सिस्टम That works even for men, and I completely support them in that. If I had to cast them and if they say that to me, that's what I will give them. जी हाँ, फरहान का मानना है कि आजकल जो एक्ट्रेसेस प्रॉफिट शेयर की मांग रखती हैं, वो बिल्कुल सही हैं। इतना ही नहीं, फरहान also talked about women getting objectified in the industry. मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप ऐसा एक रोल कीजिए जिसमें आप शायद objectify हो जाएं, तो it depends on you. Please don't do it. अगर आपको ट्रबल करने वाली है ये बात कि आई एम बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड, यू हैव द चॉइस टू से नो, सो दैट ऑलवेज एग्जिस्ट। Also supporting his cause, Farhan spoke about women equality in the society. They're not uniquely only Indian problems, but there are problems that exist across the world. Maybe create a blueprint or create a system that works that other countries can follow. You know, so let's be leaders in that, no? Well, we hope Farhan, आप जैसे मर्द की सोच को सभी अपनाएं। For Prerna Srivastava, Zoom, Mumbai. आमिर खान की वाइफ किरण राव को कैप्चर किया गया एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर, यहाँ मीडिया से बचते फिरते नजर आए किरण राव। किरण मेड श्योर टू अवॉइड मीडिया इंटरेक्शन। तो आखिर स्क्रीनिंग पर हुआ क्या, जूम आपको इसकी डिटेल्स एक्सक्लूसिवली शेयर करेगा। दरअसल एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर किरण राव आई थी, जहां पहले उनकी कार थिएटर के बाहर पार्क की गई थी। पर जैसे ही किरण को पता चला कि मीडिया यहां मौजूद है, तो फिल्म खत्म होते ही उन्होंने तुरंत कार को अंदर बुला लिया और वहीं से निकल पड़ी। साफ है कि किरण मीडिया के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहती हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब उन्होंने आमिर से इंडिया छोड़ने की बात की है, जिसको लेकर आमिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं आफ्टर कन्फेसिंग अबाउट द सेम एट एन इवेंट। वेल, किरण जब मीडिया से बचते ही फिरना था, तो ऑफिशियली ऐसे स्टेटमेंट्स पास भी नहीं करने थे जिससे आपको पता था कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। हमारे सलमान खान सर और शाहरुख खान सर,
सुना आपने, सलमान की यहाँ तारीफ करते नहीं थक रहे हैं सूरज पंचोली। वहीं सूरज जिसको लेकर रिसेंटली खबरें ये आई थी कि उनके डैड आदित्य पंचोली सलमान खान से नाराज हैं, as he thinks सलमान is to be blamed for सूरज's debut film Heroes failure। पर यहाँ जिस तरह से सूरज सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं, लगता है कि सब कुछ ठीक है पंचोलीज और खान के बीच। वैसे सूरज एक कॉलेज इवेंट पर आए थे, जहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी फर्स्ट लव स्टोरी के बारे में बताया। इसके अलावा सूरज ऑल्सो रिकलेक्टेड हिज कॉलेज मेमोरीज। बंक तो करता था, बंक बहुत ज्यादा करता था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में फुटबॉल में, 100 मीटर स्प्रिंट में, तो एनुअल डे का वेट होता था मेरे को, स्पोर्ट्स डे का वेट होता था। इन रियलिटी सूरज अब कॉलेज मेमोरीज तो खत्म हो गई, पर होप ये अश्योर कि आपकी एक्टिंग मेमोरीज इतनी स्पेशल हो कि वो भी आप लोगों के साथ रिवाइव करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बेबी डॉल सनी लियोनी को अपने फैन से काफी प्यार मिलता है, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो उनके लिए बुरा ही सोचते हैं। सनी जूम को एक्सक्लूसिवली अपने इन हेटर्स के बारे में बताती हैं, जो नहीं चाहते कि उनकी मूवी मस्ती ज्यादा रिलीज हो पाए। There are a lot of people saying that, oh, this movie is not going to pass, or this is happening, or there's 100 different cuts, and the movie doesn't make sense. There's a lot of haters. Basically, there's a lot of haters out there. लेकिन मस्ती ज़ादे को सेंसर से तो क्लियरेंस मिल गया है, और सनी काफी एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर। I know that we have a great movie. From what I've seen and from what, you know, the few people have seen, so God willing, it does well at the box office, and that's just what it's about. It's all about the numbers. सेंसर क्लियरेंस के बावजूद अपेरेंटली इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया है, और सुनने में ये आया था कि प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि मस्ती ज्यादे हिट स्टोरी 3 के साथ रिलीज हो, क्योंकि दे थॉट इरोटिक थ्रिलर एंड सेक्स कॉमेडी वर काइंड ऑफ इन द सेम जोन। दैट इज व्हाट सनी हैड टू से। I think that it's just didn't work out for timing for us, and I mean it's great, like hate story is going to come out before, and I wish them all the best, and I hope their movie rocks it. For Rudrani Chaturaj, Zoom Mumbai. Siddharth Malhotra is definitely enjoying the popularity and stardom which has come his way. एक के बाद एक कोई हिट फिल्मों का हिस्सा बनना कोई छोटी बात थोड़ी है। Well, now Siddharth is soon going to be a part of a franchisee whose first two parts have won millions of hearts. अभी कौन सी franchisee की बात कर रहे हैं हम, आइए जानते हैं स्टोरी में। दरअसल जूम को सोर्सेस से पता चला है, तो रिसेंटली सिद्धार्थ पहुंचे थे रमेश तौरानी के घर एक खास मीटिंग के लिए। सोर्सेस का कहना है दैट ये मीटिंग थी रिगार्डिंग रमेश's नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसमें ही इज कीन ऑन कास्टिंग सिद्धार्थ। और तो और सोर्सेस यहां तक बताते हैं कि फिल्म और कोई नहीं बल्कि रेस 3 है। वेल, इट विल बी रियली एक्साइटिंग टू सी सिद्धार्थ इन रेस 3। अब देखना तो ये है कि इनके साथ कौन कौन कास्ट होता है और होती है इन रेस 3। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।